ये हैं मिस्टर दाऊद, आज हम इनको पकड़ के लेके जा रहे हैं डनई फला। हम इंशाल्लाह जा रहे हैं, थोड़े विसोर रोकते हैं, तो करो कि शिनी प्राज प्याज डाला है, घोड़ा डाला है। ओहो तो भाई अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उस्मान बुखारी ट्रैवल एडवेंचर में खुश आमदीद। ये हैं मिस्टर दाऊद, आज हम इनको पकड़ के लेके जा रहे हैं डनई फला। हम इंशाल्लाह जा रहे हैं, लोअर और अगजई में आता है। और ये हैं मिस्टर अब्बास, इनका चैनल भी लिंक में इंशाल्लाह मैं डिस्क्रिप्शन में भी दूँगा, वो भी सब्सक्राइब करें। ये बड़े खुराकी भी हैं और ट्रैवल के भी बड़े शौकीन हैं। तो आज हमने इरादा किया कि चलें थोड़ा सा एक पार्टी माहौल किया जाए। हम डनई जा रहे हैं और रास्ता इंशाल्लाह आगे का आप देखते रहेंगे हमारे साथ। पीछे कुछ चेक पोस्ट थी तो इस वजह से मैं वीडियो नहीं बना सका, क्योंकि हैंड हेल्ड जो शॉट्स होती हैं वो थोड़ा सा बंदा कंट्रोल कर लेता है, लेकिन जो गोप्रो की शॉट्स होती हैं या मोबाइल आपने हेलमेट पे लगाया होता है तो उस वजह से थोड़ा सा इशू आता है। ये रास्ता आप देखते रहें, हमारे साथ रहें। बहुत ही खूबसूरत इलाका है, क्वाड के बहुत नज़दीक है, ऑलमोस्ट 20-22 किलोमीटर्स का रास्ता बनता है। तो मैं काफ़ी दफ़ा आ चुका हूँ यहाँ पे, 8-9 ऑलमोस्ट 10 टाइम्स आ चुका हूँ, लेकिन ये मेरा 11th टाइम कंसिडर कर लें। और हमारे दोस्त भी काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं, मे बी इट्स देयर 3rd or 4th टाइम। شغاف القلب في ترنيمها يا بلسما كم طيبت قلب الكسير العاني في مفرق। तो मेरे यारो दोस्तों, रास्ते में चंद स्पॉट्स हैं जो कि हमें कवर करने लाजमी हैं। ये हैं मेरे दोस्त हसनैन और ये हैं मोहम्मद अब्बास साहब। इन दोनों की भी ज़बरदस्त किस्म के चैनल्स हैं, दोनों ट्रैवल और फूड के बड़े शौकीन हैं। मैं भी हूँ। तो आज हम आए हुए ये डनई के रास्ते में एक जगह आती है जहाँ पे नेचुरल स्प्रिंग्स हैं, खूबसूरत तरीन जगह, मस्मराइजिंग व्यूज़ हैं, काफ़ी खूबसूरत पहाड़ हैं। बहुत किस्म की चढ़ाइयाँ, बहुत
یاتن بوزو دین سلا او تاغه پر کوشا لکه چړای دا ونه څه غټه دا खतरनाक किस्म की चढ़ाई थी यहाँ जो कि अनअवॉइडेबल थी। वहाँ पे मैंने अब्बास भाई को उतारा तो सोचा कि कोई मिसहैप होने से बंदा बच जाए, अच्छी बात है। और अब हम यहाँ पे थोड़ा सा उनका वेट कर रहे हैं ताकि वो आए, तो फिर अपना रास्ता कंटिन्यू करते हैं। आज भी बड़ी सर्दी है लेकिन हम में मस्ती है ना अब्बास भाई। पकौड़े भी सोरा रोकते हैं, पकौड़ों के शून्य प्राज प्याज डाला है, गुड़ा डाला है। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, पकौड़ों के इंतजार में और स्पेशल गुड़ वाली चाय के इंतजार में। चाय तो आ गई है, बस पकौड़े निकलने वाले। पकौड़े निकलने वाले के बनने वाले? कढ़ाई से निकलने वाले बनकर। और आप, आपके पकौड़े? वो भी ये तैयार हो रहे हैं, आ रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। फोटोग्राफी भी हम निकल खुद आ रहे हैं। हाँ, खुद आ रहे हैं प्लेट में। अच्छा। आप? बस मैं ड्राइवर हूँ, थका हूँ, ठीक है, सिर्फ खाने का इंतजार कर। आपको ज्यादा खाना चाहिए? हाँ जी, थैंक यू। और आप? इनको पकौड़े नहीं खिलाए? पकौड़े नहीं खाने का सीन? ये कह रहे कि सीन का तो नहीं खुला। खूबसूरत इलाकों में से एक इलाका जो कि कुहाट के नजदीक ही वाक़ है। असर के वक्त का जो मंजर है वो आप अभी देख ही रहे हैं। एक मेरा व्लॉग जो था वो मैं आया था अनजानी साइड से, वो मैं तिरा से आया था उस साइड से, तो मैंने डनई एक्सेस किया था। और इस दफा मैं अपने गांव से कुहाट से आपको ये दिखा रहा हूँ रास्ता, ये सारा कुछ। तो दोनों साइड से जो एक्सेस रूट्स हैं बहुत ही खूबसूरत हैं, बहुत ही लाजवाब हैं।
नजर आ रहे हैं सर आपको सामने वो दरख्त का। फैंटास्टिक व्यूज, फैंटास्टिक विस्टास ऑल अराउंड। मेरे जवानों, मेरे मोहतरम दोस्तों, हम नीचे जा रहे हैं। एक स्पॉट हमने रास्ते में देखा है डनई में ही, तो हमने सोचा कि वो कवर करते जाएं। बहुत ही खूबसूरत मंजर है, सनसेट होने वाला है और यहाँ पे जो है पहाड़ों पे एक खूबसूरत किस्म का मंजर इंशाल्लाह आपको हम एंजॉय करवाते हैं। या अल्लाह खैर, आराम आराम से, आराम आराम से भाई, कोई जल्दी नहीं है। नहीं, काफ़ी दफ़ा मैं आ चुका हूं, लेकिन ये स्पॉट जो है ये मैं पहली दफ़ा एग्जैक्टली इस स्पॉट पे मैं पहली दफ़ा आया हूं। बहुत ही खूबसूरत स्पॉट है ये दनई में। वापसी का सफर जहाँ से वीडियो मैंने स्टार्ट की थी, तो वहीं पे इख्तिताम भी कर रहे हैं। शाम का मंजर भी आपको दिखा रहे हैं, उन्हीं पहाड़ों के दरमियान खूबसूरत संगलाख चट्टाने। अल्लाह हाफिज़।